हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मोहता। आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक और मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूं जो मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं, और मेरे देश में, मेरे भारत में ऐसे कई जीनियस लोग मौजूद हैं जिनकी आज मैं बात करने वाला हूं। वो लोग इतने जीनियस हैं कि इनको सैल्यूट मारने का मन करता है। इतने जीनियस के जो वो लोग काम कर रहे हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में आज कोई नहीं कर रहा होगा। उन जीनियस लोग की आज मैं आपको बात बताता हूं। वर्ल्ड के हर एक हेल्थ वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, जो भी आध्यात्मिक गुरु है, वो सब और भी कितने ही लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क लगाओ, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करो। लेकिन आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो ना ही मास्क लगा रहे हैं जो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तब ना ही अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। क्यों? आज भी कहीं पे भी आप जहां पे कोई भीड़ वाला इलाका हो या फिर कोई मार्केट हो, कहीं भी आप जाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग का खंडन आज भी कई जगहों पर हो रहा है। कई लोग पालन कर भी रहे हैं तो कई लोग नहीं भी कर रहे। आज भी मैं खुद भी कई दिनों से देख रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो लोग बिना मास्क लगाए या तो वॉक कर रहे हैं या फिर व्हीकल चला रहे हैं। क्यों? कई लोग ऐसे हैं जो लोग ओपनली मास्क नहीं पहन रहे लेकिन फिर भी सिगरेट जरूर पी रहे हैं, ये भी मैं रोज देख रहा हूं। ये तो चलो मेरे आसपास की बात है, पूरे देश में तो न जाने कितने ही लोग इन रूल्स को नहीं मान रहे होंगे। जब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि मास्क लगाना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? इसमें आपका भला है, आपके नेबर्स का भला है, आपके परिवार का भला है। वायरस का खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है दोस्तों, ये बात आप भी जानते हो और सब जानते हैं। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क भले ही आप घर से 2 मिनट के लिए निकल रहे हो, मास्क जरूर पहनिए और अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखिए। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं या जो भी तंबाकू पान गुटखा खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो अभी, मैं ये कह रहा हूं जितना हो सकता है कम करो और थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी ध्यान दो। गर्म पानी पीजिए, प्राणायाम कीजिए। इतने सालों से लोग बोल रहे हैं अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कितने ही लोग हैं जो बिल्कुल बात को फॉलो ही नहीं कर रहे। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट भी आप प्राणायाम कर लोगे ना, वो भी सफिशियंट है। सो प्लीज, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उनका खंडन मत कीजिए, उनका पालन कीजिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है, इसी में पूरी देश की भलाई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।